press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों ने थंबनेल से पहचान ही दिया होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो जुलाई के महीने 2018 में हुआ था उसमें पॉलिटी यानी कि संविधान और इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग यहाँ उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच एक्ट बिहार बिकेम सेपरेट प्रोविंस। बिहार किस एक्ट के तहत एक अलग राज्य बना। ऑप्शन सर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल ऑफ 1909, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड डी नन ऑफ द अबव। यस फ्रेंड्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पांच ऑप्शंस होते हैं इसलिए यहां पांच ऑप्शन दिया हुआ। व्हाट इज़ द राइट आंसर। द राइट आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बना था। तो हम लोग ये भी जान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसके तहत और भी कुछ हुआ था देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस से अलग हुआ था इसी एक्ट के तहत। सेकंड, बिहार और उड़ीसा का बंटवारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही हुआ था। और बर्मा जो कि पहले इंडिया का ही एक पार्ट था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दो पार्टों में बट गया यानी कि इंडिया से अलग हो गया। और एडेन एक एरिया था इसे भी इंडिया से अलग करके एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कहानी। ये मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। जी, न्याय पंचायत एक तरह का ज्यूरिसडिक्शन होता है पंचायत के पास जो कुछ छोटे मोटे मामलों की सुनवाई कर सके। ऑप्शन आर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी वी के राव कमेटी, सरकारिया कमीशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप प्लीज़ ट्राई करें। इसका राइट आंसर है बी, अशोक मेहता कमेटी। दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कुछ स्टेट में पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 tiers है और कुछ स्टेट में ये 2 tier सिस्टम है। तो किस कमेटी ने कैसा रिकमेंडेशन किया था तो देखिए मैं आपको एक सरल आंसर बताना चाहता हूँ कि बलवंत राय मेहता ये 3 नाम से जुड़ा है यानी कि 3 tiers रिकमेंडेशन किया था। ठीक, अशोक मेहता 2 नाम से बना है यानी कि इन्होंने 2 tier पंचायती राज के बारे में कहा था। तो ये दोस्तों ये ट्रिक्स याद करने के लिए बहुत आसान है इसे प्लीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, पंचायती राज ये जो मैंने बलवंत राय मेहता के बारे में बताया अशोक मेहता कमेटी के बारे में बताया तो इस कमेटी को जनता पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया था इन दिसंबर 1977 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता जिसने अपनी सारी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सबमिट किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों हमारे यहाँ तीन तरह के लिस्ट होते हैं। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट एंड सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर डिवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ द सेंट्रल लेजिस्लेशन ए सेंट्रल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई वॉन्ट टू लेट यू नो डैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट।
ओके नाउ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस फंक्शंस इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस आर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज। फ्रेंड्स देर आर 29 सब्जेक्ट्स विच हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो, यानी कि मैं यहाँ पंचायत के बारे में बोल रहा हूँ कि उसे 29 सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है जिस पे वो काम कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, फिर पढ़ते हैं पॉवर्टी एलिविएशन, एडुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, फॉर्मल एडुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन। उसके बाद देखते हैं और भी है कुछ, खादी, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रोड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स लाइक तालाब वगैरह, वीकर सेक्शन के बारे में, इस पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन, यानी कि पंचायती राज जो है ये कहाँ मेंशन किया गया। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि तीन तरह की लिस्ट होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उस पर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो सिस्टम है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड दिस इज माई ट्विटर आईडी, यू कैन फॉलो मी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50% रिजर्वेशन, यस 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वीमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज इन सर्टेन स्टेट सच एज, एंड द ऑप्शंस आर बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑफ एंड द कॉम्बिनेशन आर ओनली 3, ओनली 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 एंड नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। इन सब जगह 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, मनी बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, ओनली इन द लोकसभा, ओनली इन द राज्यसभा, इन बोथ द हाउसेस, इन ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि मनी बिल किस आर्टिकल में है। मनी बिल आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया हुआ है, और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है सबसे पहले, और इसे इस बिल के, और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है इसका ये कौन डिसाइड करेगा, तो लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर दिया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रकृति क्या है। फर्स्ट ऑप्शन फेडरल, यूनिटरी, सी पार्लियामेंट्री,
डी फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो दोस्तों फेडरल क्या होता है, फेडरल होता है एक ऐसा पावर शेयरिंग का मोड होता है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करता है, तो इसे हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। यूनिटरी में होता है कि ये सारा पावर सेंटर के पास जाके जमा हो जाता है, यानी कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टेट कम पावरफुल होता है। पार्लियामेंट्री आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किस तरह का है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्चुअली नेचर तो हमारा फेडरेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, बट जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ ज़्यादातर मैक्सिमम पावर सेंटर के पास है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन, लाइक इफ़ यू स्टडी नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन यूनियन लिस्ट और नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन स्टेट लिस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन कॉन्करेंट लिस्ट, यू विल सी देर इज ए लार्ज टेंडेंसी डैट यूनियन लिस्ट हैव मैक्सिमम आइटम्स एंड इवन कॉन्करेंट लिस्ट, यू नो इफ स्टेट लेजिस्लेशन एंड यूनियन लेजिस्लेशन क्लैश विथ ईच अदर ड्यूरिंग कॉन्करेंट लिस्ट, देन यूनियन लेजिस्लेशन विल बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। द राइट आंसर इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द ऑम्बर्ट्समैन यानी कि लोकपाल एंड ई नन ऑफ देव। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिसियो मीन बाय वर्शियो और बाय डिफॉल्ट, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं। ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव एंड ई मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, श्री वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होने के वजह से ही वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं और उसका काम करते हैं। एक और मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देना चाहता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट ड्रॉ हिज सैलरी फॉर द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बट ही ड्रॉज हिज सैलरी फॉर द फंक्शन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किसके प्रति जिम्मेदार हैं, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन पर्टिकुलर लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्हें जो मेजॉरिटी साबित करना होता है यानी कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो प्रेजेंट करना होता है वो लोकसभा में करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ फॉर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स रिमेंबर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड द मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, यानी कि दो पार्ट है, एक लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन आप ऑलरेडी देखें और खुद से ट्राई करें आंसर देने का। तो लोकसभा में के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए हमें, 25 इयर्स, और राज्यसभा के लिए 30 इयर्स। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपका कि पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए आपको कौन कितना एज चाहिए मिनिमम, तो क्या आंसर होना चाहिए, दोनों लोकसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और राज्यसभा भी। तो मिनिमम एज पूछा है तो मिनिमम एज हमारा क्या होना चाहिए, 25। So the right answer is 25.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, नन ऑफ द एबव. यस, द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द राइट आंसर इज 65 ईयर्स. एंड हाई कोर्ट जजेज रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर्स. तो प्लीज रिमेंबर दिस टू इंफॉर्मेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो कौन होते हैं? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द कैबिनेट सेक्रेटरी, द होम सेक्रेटरी, द फाइनेंस सेक्रेटरी, और इनमें से कोई नहीं. फ्रेंड्स, व्हाट इज द राइट आंसर? प्लीज आंसर. द राइट आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द राइट आंसर. प्लीज ऑल्सो रिमेंबर हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स. एंड अटॉर्नी जनरल इज द, हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल इज द सुप्रीम लॉयर ऑफ, और द फर्स्ट, सॉरी, हाइएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द जुडिशियरी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी दिस इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी, व्हाट इज जीएनपी एटसेट्रा. तो क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? ऑप्शंस आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नन ऑफ द एबव. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस वक्त आप अपने काबिलियत से कम परफॉर्म करते हैं. सपोज आप एक इंजीनियर हैं लेकिन आप एक प्यून का जॉब करते हैं. कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, मगर अगर आप एक प्यून, सॉरी, अगर आप एक इंजीनियर की तरह इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करेंगे, प्यून के तौर पे आप अपने क्षमता से कम परफॉर्म करेंगे, यानी कि आपका जो कैपेबिलिटी है उसे कम परफॉर्म करेंगे. इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. इन्फ्लेशन, महंगाई पता ही है. लो लेवल ऑफ सेविंग यानी कि जो हम लोग जमा पूंजी करते हैं वो. नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जैसे रिक्शा चला, रिक्शा वाले, आपके जो घर में काम करती हैं वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है. तो हमारा नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने में जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर. हमारे इंडिया में नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर तकरीबन 92% है और बाकी सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है. तो मैक्सिमम नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता क्या है कि वहाँ ज़्यादातर जो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफाइनेंस इन इंडिया इज, यानी कि जो कृषि के लिए जो पूंजी या फंड दिया जाता है वो देने वाली सबसे बड़ी बैंक कौन है? ऑप्शंस आर आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, इंपीरियल बैंक, नन ऑफ द एबव. द राइट आंसर इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. एंड नाबार्ड वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? प्लीज ट्राई टू आंसर. एल शिवरमन कमेटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनेंस कमीशन, द प्रेजेंट शेयर ऑफ स्टेट्स इन द प्रोसीड्स ऑफ द शेयर सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड बी. 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो कितना परसेंट टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए? ऑप्शंस आर 32%, 35%, 40%, 42%, नन ऑफ द एबव. द राइट आंसर इज 42%.
यह 14th फाइनेंस कमीशन का फैसला था। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है। फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 में है। मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देना पसंद करूँगा, आप सोचेंगे खुद से, इसे देखेंगे, सर्च भी करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन का काम है जो टैक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो प्रोसीड्स ऑफ द शेयर है, यानी कि जो टैक्स का प्रोसीड्स होता है, ये कौन कैलकुलेट करेगा कि ये कितना है या नहीं है। तो प्रोसीड्स ऑफ द जो टैक्स होते हैं, ये कैलकुलेट करने का काम हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस एरिया में ज़्यादा आता है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नॉन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज, सबसे ज़्यादा हाई FDI हमारे सर्विस सेक्टर में आता है। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द RBI? वेरी सिंपल क्वेश्चन, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन सर, बिमल जालान, अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। द राइट आंसर इज उर्जित पटेल। रघुराम राजन इससे पहले RBI के गवर्नर थे। तो एक क्वेश्चन आपको और भी याद करके रखना चाहिए, उर्जित पटेल कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो उर्जित पटेल इज 24th गवर्नर ऑफ RBI। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन इकोनॉमी। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो है हमारे यहाँ वो साइज कितना है? तो लैंड होल्डिंग होता है कि एक एक इंसान के पास कितनी ज़मीन है, उसी को लैंड होल्डिंग बोला जाता है। तो बहुत सारा कैटेगरी है लैंड होल्डिंग का, जिसमें एक कैटेगरी है मार्जिनल लैंड होल्डिंग, यानी कि जिसके पास बहुत कम लैंड होल्डिंग होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल लैंड होल्डिंग। तो कितने परिमाण के ज़मीन होने पर, यानी कि कितना ज़मीन होने पर उसे हम मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलेंगे। तो इसका इंडिया में बोला जाता है लेस देन 1 हेक्टेयर अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोला जाएगा, यानी या मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स बोला जाएगा, या मार्जिनल फार्मर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग कैटेगरी थोड़ा सा देख लेंगे कि किस कैटेगरी में कितना ज़मीन पड़ता है। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग वी ऑलरेडी सॉ, इट इज़ बिलो 1 हेक्टेयर, एंड स्मॉल होल्डिंग्स बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर्स, सेमी होल्डिंग 2 to 4 हेक्टेयर्स, मीडियम होल्डिंग 4 to 10 हेक्टेयर्स, लार्ज होल्डिंग इज नोन एज, इफ़ यू हैव ए लैंड मोर देन 10 हेक्टेयर्स देन यू विल कम्स अंडर लार्ज होल्डिंग। तो क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में घुमा फिरा के इस स्टैटिस्टिक्स से कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस तरह के फार्मर्स पाए जाते हैं, यानी कि किस तरह के लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है। तो इंडिया में आप देखें 2011 सेंसस के मुताबिक 67% मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड 18% स्मॉल फार्मर्स है। अगर 67 एंड 18 को ऐड करते हैं तो मोर देन 80% शेयर हमारे यहाँ इंडिया में स्मॉल फार्मर्स का है, और जो लार्ज होल्डिंग्स हैं वो सिर्फ 0.7% है, यानी कि लार्ज फार्मर्स जो हैं वो बहुत ही तादाद में कम है। लेकिन मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कि जितने भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठाते हैं वो लार्ज फार्मर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द डिमांड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि भूमंडलीकरण में क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, फ्री फ्लो ऑफ FDI, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, नन ऑफ द अबव। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड? ग्लोबलाइजेशन होता है कि आप एक कंट्री हैं ए एंड
दुनिया के बहुत सारे कंट्री हैं, उसके साथ आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको क्या होगा, अपनी इकोनॉमी को उनकी इकोनॉमी से जोड़ना होगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं, टू इंटीग्रेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला है कि हमको जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, यानी कि बाहर से कोई सामान ला रहे हैं वो रेट कम करना होगा, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी ग्लोबलाइजेशन है, ऑप्शन ए। सेकंड, लाइसेंस फ़ी, यानी कि कुछ बाहर से हम ला रहे हैं, या मान लीजिए डिफेंस कुछ इक्विपमेंट ला रहे हैं, तो उस पर लाइसेंस फ़ी अगर कम होगा तो हम ज़्यादा माल लेकर आएंगे, यानी कि हमारा इकोनॉमी और भी ग्लोबलाइज्ड होगा। फ्री फ्लो ऑफ FDI, यानी कि बाहर से जो पैसा आता है, अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन कम होगा तो हमारा इकॉनमी बाहर की इकॉनमी से ज़्यादा घुल मिल जाएगा, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की निशानी है। चलिए देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनियन, यानी कि इंडिया में समझिए बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर्स कंपनीज़ है, अगर उसको उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट बिक्री कर दे तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन होगा? दोस्तों ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, दिस इज़ इन फैक्ट नोन एज प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को बिक्री करें, यानी कि राइट आंसर यहाँ होगा, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, इट इज़ नोन एज एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इन टू इंडिया ड्यूरिंग 1998, 1999, 2001, 2005, none of the above। तो प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि कुछ पैसा लोग काला धन कर लेते थे, इसे रोकने के लिए एक लॉ लाया गया था साल 2005 में, तो राइट आंसर इज सी डी 2005। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीम्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज सी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रीम्स, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग, यस दोस्तों नीति आयोग, जो हमारे देश में पहले प्लानिंग का काम होता था वो प्लानिंग कमीशन करता था, आफ्टर द अराइवल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन वॉज एबॉलिश्ड एंड इन दैट प्लेस नीति आयोग केम इन टू एग्जिस्टेंस। यू नीड टू रिमेंबर द डेट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, 1st January 2014, 1st June 2014, 1st January 2015, 1st June 2015, none of the above। Right answer is 1st January 2015। Who is the present chairman of Niti Aayog? Please answer. Answer yourself. Present chairman of Niti Aayog is Prime Minister, because and whatever it comes into mind, that is Vice Chairman. Prime Minister is by default Chairman of Niti Aayog. There is a very important question, or a very interesting question. Gullak Bachcha Bank is bank based in. What is Gullak Bachcha Bank? Actually, Gullak Bachcha Bank is a. It is not a traditional bank. It is just a bank where childrens are educated how to perform financial transaction, etc. And this bank was opened in option A, Delhi, Bihar, Bhopal, Jaipur, none of the above. And the right answer is Bihar. This was opened in Bihar. Let's move to the next question. The base year for All India Wholesale Price Index has been changed by the Government of India Act from 2004-05 to option is 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14, none of the above.
यानी कि हमारा एक बेस प्राइस होता है। बेस प्राइस को थोड़ा समझना मुश्किल हो गया, आसान भी है। बेस प्राइस होता है कि गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देता है, उसके बाद हर साल, हर 4-5, हर 2-3 साल, हर जो अपना GDP या कोई भी कैलकुलेशन होता है उस प्राइस को फिक्स करके करता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नॉट रिसेंटली बट फ्यू ईयर्स एगो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज देयर बेस ईयर फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12। एंड रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू वंस अगेन रिव्यू दिस बेस ईयर। तो मोस्ट प्रॉबेबली विद इन इन द नेक्स्ट ईयर द बेस ईयर विल बी चेंज अगेन टू 2017 और 18। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, एट प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ जून 2018, इफ एनी एग्जाम्स कम्स रिगार्डिंग बेस ईयर, यू कैन ब्लाइंडली आंसर 2011-12। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इज लोएस्ट फॉर द स्टेट ऑफ, ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड डी जम्मू एंड कश्मीर, ई नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सी बिहार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट इज लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, नन ऑफ द एबव। लैंड होल्डिंग के बारे में दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि लैंड होल्डिंग किसके बोलते हैं, किसे बोलते हैं। तो इस लैंड होल्डिंग के अनुसार बिहार का क्या पोजीशन है, तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि किस स्टेट का पोजीशन क्या है। तो फिलहाल मैं आपको राइट आंसर बता देना चाहता हूँ कि बिहार हैज सेकेंड हाईएस्ट लैंड होल्डिंग्स इन बिहार। देन विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, फॉलोड बाय सेकेंड जगह पे हैं बिहार, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ आंध्र प्रदेश, एंड द लोएस्ट लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया इज इन चंडीगढ़। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, इट माइट हेल्प यू इन योर नेक्स्ट एग्जाम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ, करेंट प्राइस के हिसाब से लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ए बिहार। बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो फिर क्वेश्चन एक आ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम आपका गोवा का है। अगर सिर्फ स्टेट के बारे में पूछे तो गोवा, अगर गोवा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर इज दिल्ली। और साथ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिहार का भी पर कैपिटा इनकम कितना है और गोवा का कितना है, ये करंट डेटा के हिसाब से आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार, ऑप्शन आर AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, नन ऑफ द एबव। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन शायद फॉर्मेशन में कुछ भूल हो गई है। क्यों? क्योंकि AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये तीनों ही बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा कहीं से मेंबर नहीं थे। यानी कि अगर क्वेश्चन होता हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बिहार, तो आंसर श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा होता। हमारे बहुत सारे दोस्त, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो यू माइट रिमेंबर दीज
these answer question members of constituent assembly from West Bengal. Manohar Das, Arun Chandra Guha, Lakshmi Kant Mitra, Mihir Lal Chattopadhyay, Satish Chandra Samanto, Suresh Chandra Majumdar, Upendra Nath Barman, Prabhu Dayal, Basanta Kumar Das, S.C. Mukherjee. Who was S.C. Mukherjee? S.C. Mukherjee was the Vice President of Constituent Assembly. Surendra Mohan Ghosh, Shyama Prasad Mukherjee, First Industry Minister of India. Eri Bahadur Gurung, Ari Patel, it must be, I think, Patel. K.C. Niyogi. Who was K.C. Niyogi? Can you answer? K.C. Niyogi was the first deputy chairman of, first deputy chairman of either planning commission or something else. I'm just forgetting this question, but please remember it, try to remember it. Next, Raghib Ahsan, Jashimuddin Ahmad, Najiruddin Ahmad, Abdul Hamid, Mrs. Renuka Ray, Abdul Halim, Ghaznavi. Let's move to the next question. The post of Indian High Commission was created by which act? Indian High Commission का जो post था वो किस act के तहत बनाया गया था? Options are Indian Council Act 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, none of the above. What is the right answer? The right answer is Government of India Act 1919. You should also remember who was the first High Commissioner for India. And the first High Commissioner for India was a civil servant. What was his name? His name was Sir William Stevenson Meyer. Let's move to the next question. When was the Punjab Land Alienation Act passed? Options are 1850, 1895, 1900, 1905, none of the above. The right answer is 1900. दोस्तों पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था क्या? तो इसमें ये लैंड एलिनेशन एक्ट, इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी जमींदार के ऊपर 15 सालों तक पाबंदी लगा दिया गया था कि आप न तो ज़मीन को बेच सकते हैं न ही इसे गिरवी रख सकते हैं. पंजाब लैंड एलिनेशन के अगेंस्ट में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लखनऊ सेशन में एक रिजोल्यूशन भी पास किया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर हुज लीडरशिप? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, सरदार पटेल, नन ऑफ द एवर. द राइट आंसर इज Department of State was established under the leadership of our first Deputy Prime Minister of India, Sardar Patel. This was the, so friends, please remember, these are very important question, and more than that, explanations are very important. So please remember it, and please you might note down it in your copy. If you get any new question, it might help you during revision. दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूँ. हम सब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम में अपने आप को हमेशा देखते रहते हैं कि एग्ज़ाम कितना कठिन होता है. हमें हमेशा सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है, हमें फेलियर भी को देखना पड़ता है. तो विंस्टन चर्चिल ने इसी के मुताबिक कहा था, एक बात कहा था उन्होंने, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, यानी कि सक्सेस कभी फाइनल नहीं होता है. आपको जितना भी सक्सेस मिले आप और भी सक्सेस के लिए पढ़ें. और फेलियर इज़ नॉट फैटल, अगर आप फेलियर भी होते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा नहीं है. इट इज़ द करेज, यानी आपके पास करेज होना चाहिए टू कंटिन्यू, और यही सबसे ज़्यादा मैटर्स करता है. यानी कि सक्सेस कभी फाइनल नहीं होता, फेलियर कभी जानलेवा नहीं होता, और आपके पास जो हिम्मत होता है कि फेलियर के बावजूद भी आप आगे बढ़ें, वही सबसे ज़्यादा मैटर होता है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स एंड फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर.
दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर. थैंक यू सो मच, एंड ऑलवेज स्माइल एंड ट्राई टू हेल्प पीपल, बिकॉज यू डोंट नो दे माइट नीड यू. थैंक यू सो मच.